Assalamu alaikum ladies and gentlemen. Today we have with us Syed Fizan Haider, who was able to achieve his dream through his passion and determination. And he is now mashallah a past candidate of CSS in CSS 2020. Let's learn from his experience. Assalamu alaikum -al As uh, I'm good, fine, thank you. Thank you for the introduction. Please briefly introduce yourself in your own words so that our viewers can learn something from you about yourself. Uh, so my name is Sayyid Fazan Hadiz Edi and the reason I'm sitting here with you as you mentioned is that I passed CSS 2020. I got the 45th position and uh, I have been allocated to Police Service of Pakistan. Uh, before this, I have had uh, a diverse educational experience. I've studied from Beaconhouse School, Karachi, and then um, I graduated with a degree in accounting and finance from LUMS. Right. So, Mashallah, you have a very good um, and you know history of education.

जो आपका जितना भी प्रीवियस एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है उस सारे का इम्तहान है वो सिर्फ छः सात महीने का इम्तहान नहीं है वो जितना आपने पहले से पढ़ा है उन तमाम चीज़ों का इम्तहान है तो अगर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा है आप अच्छे इंस्टीट्यूट से हैं या अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से नहीं भी पढ़े और आप खुद एक होनेहार स्टूडेंट हैं तो वो आपको सी एस एस में हेल्प तो करता है डेफिनेटली आपके जो एजुकेशन है वो प्रीवियस एजुकेशन आपको हेल्प करती है लेकिन हैविंग सेट दैट ऐसा नहीं है कि अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं रहे पहले या आपके साथ अच्छे इंस्टीट्यूट्स अटैच नहीं रहे तो आप सी एस एस नहीं कर सकते आ, आ, आप डेफिनेटली कर सकते हैं दी ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज कि वो कंसिस्टेंट मेहनत आप करें तो सी एस एस हर कोई कर सकता है right. सर आपकी जो बैकग्राउंड है इट्स इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग और इसी सब्जेक्ट में माशाल्लाह आपने इतना हाई स्कोर किया है uh, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉमनली स्टूडेंट्स नहीं सिलेक्ट करते बिकॉज इट इज़ एक्सट्रीमली मैथमेटिकल ऑब्वियसली तो हाउ डिड यू व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी टू स्कोर वेल इन इट एंड व्हाट वाज योर आइडिया बिहाइंड चूजिंग दिस सब्जेक्ट क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जो अपना सब्जेक्ट है जिसमें डिग्री है वो ना ही अटैम्प्ट किया जाए तो बेहतर है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स उसको ओवर कॉन्फिडेंटली हैंडल करते हैं uh, अच्छा इस पे यह है कि आपको डेफिनेटली एक सब्जेक्ट जिसमें आपका बैकग्राउंड है मेरी नज़र में मेरा ओपिनियन ये है कि जिसमें आपका बैकग्राउंड है आपको वो सब्जेक्ट जरूर रखना चाहिए बिकॉज uh, एक तो आपके पास प्रायर नॉलेज होती है और आप कंफर्टेबल होते हैं उस सब्जेक्ट के साथ एटलीस्ट दैट इज़ माय ओपिनियन सो इसी लॉजिक के साथ जाते हुए uh, मेरी डिग्री अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में थी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वॉज द क्लोजेस्ट सब्जेक्ट टू माई डिग्री तो मैंने वो सब्जेक्ट uh, रखा और uh, जो आपने ओवर कॉन्फिडेंस की बात की वो मुझे पहले से आइडिया था कि आई कैन नॉट अफोर्ड टू बी ओवर कॉन्फिडेंट इन दैट सब्जेक्ट क्योंकि वो एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मुझे स्कोर करना ही था आइफ आई हैड टू गेट अ गुड एलोकेशन तो मैंने उस पर मेहनत की जितनी वो डिज़र्व करता था जितना एक कोई भी सब्जेक्ट डिमांड करता है उस पर मैंने मेहनत की उसके पास पेपर्स अटेम्प्टे जो कुछ पहले से पढ़ा हुआ था उसको रिवाइज किया और जो कुछ नहीं पढ़ा हुआ था उसके लिए अच्छी रिसोर्सेज ढूँढी अच्छी किताबें ढूँढी ऑनलाइन रिसोर्सेज ढूँढी और उसकी रिसर्च की पढ़ाई की और फिर पास्ट पेपर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया तो वो जितना उस सब्जेक्ट का हक हाँ बनता था उसको मैंने उतना टाइम दिया और अल्लाह का शुक्र है कितने अच्छे नंबर आए माशा जी सो so, फिजान अक्सर दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं एक जो थ्योरेटिकली चीज़ों को देखते हैं और थियोरेटिकली ही लिखते हैं और कुछ लोग होते हैं जो मैथमेटिकली बहुत स्ट्रॉग होते हैं जिस फील्ड से आप बिलोंग करते हैं अक्सर ये लोग मैथमेटिकल होते हैं जीनीसिस होते हैं लेकिन वर्ड्स एंड डिस्क्रिप्शन में उन्हें थोड़ी डिफिकल्टी फेस होती है sure हमारे व्यूअर्स भी अक्सर ऐसे होंगे जी. तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे बिकॉज यू आर फ्रॉम अ मैथमेटिकल बैकग्राउंड आपने थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स को कैसे अटेम्प्ट किया सो मेरे पास जो सब्जेक्ट्स थे उसमें मिक्स था मेरे पास मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स भी थे जिसको आप कह लें कि थोड़े ऑब्जेक्टिव नेचर के सब्जेक्ट्स भी थे और सोशल साइंस के सब्जेक्ट जैसे यूएस हिस्ट्री था आ, और साइंस था क्रिमिनोलॉजी था ये सब्जेक्ट्स भी मेरे पास थे uh, मेरा ओपिनियन इस पर यह है कि आपको आ, आप वो सब्जेक्ट लें कि जो जो भी आपको बेहतर तरीके से समझ आता है फॉर्चुनेटली फॉर मी मैं सोशल साइंसिस के सब्जेक्ट्स भी पहले पढ़ चुका था अपनी डिग्री में मैंने पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कोर्सेज पढ़े थे मैंने रिलिजन से रिलेटेड कोर्सेस पढ़े थे फिलोसफी से रिलेटेड पढ़े थे सो so, मैं उसमें स्ट्रगल नहीं करता था Uh, लेकिन ये हैविंग सेट दैट क्योंकि सी एस एस एक कंपटिटिव एग्जाम है उसमें कैंडिडेट्स को वही सब्जेक्ट्स लेने चाहिए जिनके साथ वो कंफर्टेबल हैं अगर वो ऑब्जेक्टिव नेचर के सब्जेक्ट्स के साथ कंफर्टेबल हैं तो वो ज़रूर वो लें और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मैथमेटिक्स uh, के सब्जेक्ट रख के या स्टेटिस्टिक्स रख के बहुत अच्छा स्कोर करते हैं तो वॉट यू आर कम्फर्टेबल विद उसको सब्जेक्ट uh, uh, को ऑप्ट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द ट्रेंड के जी इस साल ये सब्जेक्ट अच्छा नंबर दे रहा है तो मैं ये ले लूँ और इस साल कोई और सब्जेक्ट अच्छे नंबर दे रहा है तो मैं वो ले लूं इस पे नहीं जाना चाहिए आपको वो सब्जेक्ट लेना चाहिए जिसकी नेचर आपकी नेचर के साथ फिट हो एंड व्हाट अबाउट रीडिंग आपने अपने पूरी प्रिपरेशन के फेस में कितनी रीडिंग की क्योंकि कहा जाता है कि सीएसएस जो भी अटेम्प्ट कर रहा है उसकी लाइफ का एक मेजर पार्ट होना चाहिए रीडिंग को हाउ मे बुक्स डिड यू रीड और सिर्फ सब्जेक्ट बेस्ड बुक्स थी या जनरल बुक्स भी आपने पढ़ी फॉर कॉन्टेंट राइटिंग क्योंकि ऐसे पेपर में भी ये चीजें हेल्प करती हैं जी आ, जो किताबें पढ़ने की बात है और आपके मुतले से रिलेटेड बात है वो तो ये है कि आपने पहले से आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कुछ ना कुछ सी में आते हुए जब मैं सी की तैयारी कर रहा था तो उस दौरान तो मैंने सिर्फ वो किताबें पढ़ी जो कि मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड थी मेरी सिलेबस से रिलेटेड थी जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ रहा था उससे रिलेटेड थी इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा रीडिंग ड्यूरिंग द प्रपरेशन ऑफ सी मैंने नहीं की लेकिन उसके अलावा मेरी एक हैबिट है किताबें पढ़ते रहने की कोई भी uh, जो मुझे टॉपिक्स uh, अच्छे लगते हैं जो भी मुझे एरियाज़ अच्छे लगते हैं हिस्ट्री है फिलोसफी uh, है uh, या पॉलिटिक्स है इससे रिलेटेड किताबें पढ़ने का मुझे शौक पहले से था तो वो मैं पहले भी पढ़ता था और अब सी एस एस के दौरान नहीं पढ़ी लेकिन सी एस एस के बाद अब दोबारा से वो पढ़ना शुरू कर दिए तो रीडिंग uh, जो है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करती है आपकी ओपिनियंस फॉर्म करने में आपको नॉलेज देती है कोई भी किताब आप पढ़ेंगे वो आपको कोई ना कोई नॉलेज जरूर देगी uh, तो वो पढ़ना ज़रूरी है लेकिन सी एस एस के इम्तहान के दौरान आपने फोकस इस बात पर करना है कि आप अपना सिलेबस को कवर करें जो चीज़ें सिलेबस में ज़रूरी हैं उनको कवर करें बाकी किताबें पढ़ने के लिए आपके पास पहले भी बहुत टाइम था और आगे भी इंशाल्लाह बहुत टाइम होगा सी एस एस के दौरान उस पर फोकस करें राइट सो फिजान आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइंसेस भी था एंड दिस इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट जो थोड़ा ट्रिकी समझा जाता है कि सिलेक्टेड फ्यू पीपल कैन अटेम्प्ट वेल इन सब्जेक्ट क्योंकि साइंस सब्जेक्ट तो आपने इसके लिए क्या स्ट्रेटजी रखी और किस तरह से इस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट किया अच्छा एनवायरमेंटल uh, साइंस जो है वो आई थिंक ये इसके बारे में मिथ है कि वो बहुत साइंटिफिक सॉर्ट ऑफ अ सब्जेक्ट है ऐसा नहीं है एनवायरमेंटल साइंस इज मोर अबाउट एनवायरमेंटल पॉलिसी उसमें थोड़ा सा पोर्शन है साइंस का लेकिन वो एक बड़ा बेसिक लेवल का पोर्शन है अगर आपने मैट्रिक के लेवल की या ओ लेवल्स की फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी है तो आप डेफिनेटली इन्वायरमेंटल साइंस ले सकते हैं उसकी तरफ जा सकते हैं मेरी स्ट्रैटेजी इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड ये थी कि एक और यूजुअली हर सब्जेक्ट से रिलेटेड मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि एक आपके पास जो है वो सी एस एस स्पेसिफिक बुक हो जिससे आप सिलेबस अपना कवर कर सकें और एक इसके अलावा आपके पास कोई अच्छे फॉरेन ऑथर की कोई इंटरनेशनल रिप्यूट की आपके पास बुक हो जो कि आपको एक एडेड एडवांटेज दे आपको डिफ्रेंशिएट कर सके फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स तो उसमें फिर यही था कि एक सी एस एस से स्पेसिफिक बुक ली और एक इंटरनेशनल ऑथर की बुक ली और सिलेबस को मैक्सिमम जितने जल्दी मैं कवर कर सकता था उसको कवर करने की कोशिश की मेरा क्योंकि ओ लेवल्स का बैकग्राउंड था उसमें मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी हुई थी तो मुझे इतना ज़्यादा साइंस के लिहाज से स्ट्रगल नहीं करना पड़ा आ, वो सब्जेक्ट मेरी पसंद का भी था मुझे आ, उसका जो है वो इंटरेस्ट भी था उसमें तो वो सब्जेक्ट ने मुझे हेल्प किया आपने जो बात की कि वो सब्जेक्ट को कंसिडर किया जाता है कि हर कोई नहीं कर सकता आई विद दैट लोग अगर उसकी तरफ आए तो वो एक बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है और आ, अच्छे नंबर भी देता है तो ये जो सब्जेक्ट सिलेक्शन होती है इसी में जो एसपरेंट्स होते हैं उन्हें डिफिकल्टी फेस होती है क्योंकि बहुत सारे मैथ्स इन्वॉल्व हैं कि हर ईयर में एक सब्जेक्ट टारगेट होता है और नेक्स्ट ईयर फिर स्टूडेंट्स उस सब्जेक्ट को अवॉइड करते हैं और अनसर्टेंटी सी होती है कि कौन सा सब्जेक्ट चूज करें कौन सा ना करें डिड यू गेट एनी मैंटरशिप फॉर योर सब्जेक्ट सिलेक्शन या आपने अपनी ही बेसिस पे अपनी स्ट्रेंथ्स को देखते हुए अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए ठीक है अच्छा सब्जेक्ट्स मैंने जो है वो चूज़ किए जो कि सब्जेक्ट्स के साथ मैं कंफर्टेबल था आ, और मैं सबको सजेस्ट भी यही करता हूँ कि आप वो सब्जेक्ट्स लें जो आप को अच्छे लग रहे हैं सो थ्री थिंग्स फर्स्ट इज आपका बैकग्राउंड आपका जिसमें भी बैकग्राउंड है आप वो सब्जेक्ट लें अदर देन दैट आपका इंटरेस्ट तो मेरा इंटरेस्ट यूएस हिस्ट्री में था मेरा इंटरेस्ट इन्वायरमेंटल साइंस में था और क्रिमिनोलॉजी में था अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट लें एंड द लास्ट थिंग इज जो अगर आपने कंसिडर करनी है फिर आप जाके स्कोरिंग ट्रेंड को कंसिडर करें ठीक है ये बात सच है कि हिट होते हैं हिट नहीं होते बट कोई भी कंक्लूसिवली ऑब्जेक्टिवली ये नहीं कह सकता कि इस साल ये सब्जेक्ट हिट होगा या इस साल ये सब्जेक्ट हिट नहीं होगा तो उस पर इतना ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए आप अपने सब्जेक्ट्स लें जो आपको समझ आते हैं जो आपको लगता है आप कवर कर सकेंगे खुशी खुशी कवर कर सकेंगे तो उन सब्जेक्ट्स को लें और बाकी चीज़ें अल्लाह ताला पे छोड़ दें अल्लाह ताला ने अगर आपके लिए रास्ता बनाना हुआ तो जो सब्जेक्ट हिट हो भी रहा होगा आप उसमें भी अच्छे स्कोर कर जाएंगे और अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं भी हिट हो रहा हुआ और आपके नसीब में नहीं हुआ तो वो आप स्कोर नहीं कर सकेंगे उसमें तो एक ये थोड़ी सी बात है किस्मत की इसमें लक का बहुत ज्यादा फैक्टर है सी एस एस में आ, तो जब आपको पता नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट हिट होगा या कौन सा सब्जेक्ट हिट नहीं होगा तो उस पर अपना जहन ना लगाएं एक दफ़ा सब्जेक्ट ले लें और फिर उस सब्जेक्ट में जहन लगाएं इन क्लियर हो जाता है राइट right. तो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट में भी था था आज ही और इस सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा सिलेक्शन होती है ईयरली तो आपने अपने आंसर्स को बाकी कैंडिडेट से कैसे डिफ्रेंशिएट दिस सब्जेक्ट क्रिमिनोलॉजी मेरा इंटरेस्ट क्रिमिनोलॉजी में थोड़ा पहले से था मैं आ, मतलब पसंद करता हूँ इंटरेस्टिंग केसेस हों इंटरनेशनल कोई भी क्राइम्स हों इस तरीके की चीज़ें सीरीज़ या फिल्म्स में ऑलरेडी बहुत शौक से देखता था तो इसका मुझे थोड़ा सा एडवांटेज मिला क्योंकि मैंने रियल लाइफ केसेस स्टडी किए हुए थे पहले से अपने एग्जाम में मैंने जो मैक्सिमम कोशिश की वो ये कि मैं कोई भी आंसर अगर कर रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन एक तो ये कि उसमें उसकी थियरीज यूज़ करूँ जो मैक्सिमम थियरीज में यूज कर सकता हूँ बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ एन एकेडेमिक सब्जेक्ट जो क्रिमिनोलॉजी है तो उन थियरीज़ को यूज़ करूँ जहाँ पर मुझे लगता है कि मैंने अपने आपको डिफ्रेंशिएट किया होगा वो ये कि ऑलमोस्ट इन एवरी क्वेश्चन मैंने कोई ना कोई एग्जाम्पल दी थी ऑफ ए रियल लाइफ केस चाहे वो पाकिस्तान से रिलेटेड हो चाहे वो कोई भी इंटरनेशनल इस तरीके का इवेंट हो तो वो मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स कोट की थी और उनको लिंक किया था टू द थियोरीज विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट तो ये आई थिंक दिस हेल्प मी इन क्रिमिनोलॉजी एंड हेल्प मी स्टैंड आउट बेसिकली सो फिज़ान अक्सर लोग कहते हैं कि सी एस एस प्रपरेशन के लिए एक साल दो साल पढ़ना पड़ता है एंड देन वी हैव सम पीपल जो दो महीने पढ़ते हैं सिक्स मंथ्स पढ़ते हैं देर एबल टू पास इट इन देर फर्स्ट अटैम्प यू आर एबल टू पास इन योर फर्स्ट अटैम्प्ट आपने कितने मंथ स्पेंड किए इन योर प्रपेन और क्या कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटी आपने डिज़ाइन की फॉर योर सेल्फ जिसको आपने फॉलो किया uh, मेरी तैयारी ऑलमोस्ट सिक्स सेवन मंथ्स की तैयारी थी आई स्टार्ट इन अराउंड जुलाई और ऑगस्ट और ये आपने बात बिल्कुल सही कही है कि कुछ लोगों को एक साल लग जाता है कुछ लोगों को दो महीने लगते हैं छः महीने लगते हैं वो एक बहुत अच्छी बात है मैं कहीं पढ़ रहा था कि हर एक को जो कुछ भी मिलना होता है वो एक टाइम होता है उसका एक वक्त होता है तो वो आपको वक्त से पहले नहीं मिल सकता तो कुछ लोगों को वो एक साल लगता है कुछ को दो महीने लगते हैं ये अल्लाह ताला का निज़ाम है इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता एट दी एंड ऑफ द डे क्योंकि ये एक आपकी पूरी प्रीवियस एजुकेशन जर्नी का एग्जाम है तो कुछ लोगों को वो एक साल लगाना पड़ता है टू अप फॉर जो प्रीवियस उनकी वीकनेसेस हों कुछ लोगों का पहले से इतना अच्छा एक वो ग्रूमिंग होती है और एक उनका एजुकेशन बैकग्राउंड होता है कि वो दो महीने में भी कर जाते हैं एंड इट इज कंप्लीटली लॉजिकल ये हो सकता है Uh, मुझे जैसे छः सात महीने लगे मुझे लगा कि सात महीने वॉज अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम फॉर मी कि मैं फुल टाइम स्टडी की मैंने और अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो मैं पास कर सका तो टाइम वेरी करता है बस आपने कोशिश ये करनी है कि आपने टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है आपने उस टाइम को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से लेकर चलना है अब यहाँ से दूसरी बात शुरू होती है जो आपने पूछी कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी उस टाइम को अरेंज करने की सो so, मुझे एक बहुत अच्छे मेरे मैंटोर थे उन्होंने ये गाइड किया कि आपने एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से इसको लेकर चलना है सो आई डिवाइडेड द नंबर ऑफ मंथ्स दैट आई हैड ऑन द सब्जेक्ट्स तो मेरे पास एक अमाउंट ऑफ डेज आ गया था कि मैंने एक सब्जेक्ट इतने दिन में ख़त्म करना है और उसको मैंने एक डेडलाइन बना के मैं चला Uh, मेरी कोई डेली पढ़ाई की लिमिट नहीं होती थी कि मैंने इतना इतने घंटे पढ़ना है आई डेंट स्टडी अकॉर्डिंग टू दोज आवर्स वट आई स्टडीड अकॉर्डिंग टू वर्स कि मैंने इतने uh, दिन में जो है वो सब्जेक्ट ख़त्म करना है तो अगर मेरा कोई सब्जेक्ट uh, दस दिन में मैंने ख़त्म करना है तो वो चाहे मैं दिन में आठ घंटे पढ़ूँ चाहे चार घंटे पढ़ूँ गोल वो दस दिन का है सो आई हैड डेली गोल्स वीकली गोल्स एंड देन मंथली गोल्स इस हिसाब से मैंने अपनी तैयारी को स्ट्रक्चर्ड रखा सो अमाउंट लेफ्ट फॉर आईडल एज वेल तो ये मेरी तैयारी का तरीका था स्ट्रक्चर्ड, कंसिस्टेंट और अपने गोल्स मीट करते रहना राइट right. सो so, एनुअली आपको पता है कितने लोग सी एस एस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं कितने लोग इसे अटैम्प्ट करते हैं तो दिस इट सेल्फ इज़ अ चैलेंज और अक्सर लोगों को डिसक्रेजमेंट मिलती है इनिशली जब वो कहते हैं कि हमने सी एस एस अटम्प्ट करता करना है मोस्टली देर फैमिली एंड फ्रेंड्स विल ट्राई टू डिस्करेज दैम कि बहुत टफ चीज़ है अभी वी आर नॉट प्रपेयर फॉर इट वाई डोंट यू गो फॉर सम प्राइवेट जॉब या कुछ और कर लो बिज़नेस कर लो सो वट इज़ योर पर्सनल ओपिनियन ऑन दिस क्या आपको भी ऐसी कोई डिस्करेजमेंट मिली इन द स्टार्ट और वैसे भी हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि शुड दे बी सो अफ्रेड ऑफ दिस एग्जामिनेशन देखिए डरने की तो कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपने एक एम कर लिया है तो फिर उस एम की तरफ जाएं इससे आपके सवाल से मुझे एक शेर याद आया फैज़ अहमद फैज़ का कि जिस धत से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है ये जान तो आनी जानी है इस जान की कोई बात नहीं तो जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने एक चीज़ अटेम्प्ट करनी है तो चाहे डिस्करेजमेंट हो चाहे आपको कोई भी मुश्किल हो वो आपको मुश्किल क्रॉस करनी पड़ेगी और वो जैसे इमरान खान ये हर अपनी स्पीच में कहते हैं कि जो भी चीज़ आपको जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको और बड़ा बनाती हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ऐसी कोई डिस्करेजमेंट फेस नहीं करनी पड़ी थी एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि रोज़ मेहनत करनी होती थी लेकिन अगर आपको कोई डिस्करेज कर भी रहा है तो उसको पॉजिटिवली यूज़ करें उसको यूज़ करें अपने आप को बूस्ट अप करने के लिए अपनी जो है ना वो उसको एक पॉजिटिव सेंस में अपनी, अपनी, अपनी डिस्करेजमेंट को भी डायरेक्ट करें और इन शह देट विल हेल्प यू डिस्करेजमेंट आपको हर चीज़ में मिलेगी चाहे वो ये एग्ज़ाम है चाहे वो प्राइवेट जॉब है जो कुछ भी है तो बस आपने उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना मेहनत करते रहना और इनशाला हर कोई कर सकता है सो फिजान आपका डोमिसाइल पंजाब का है एंड एज नो कि पंजाबी डोमिसाइल के साथ एलोकेट uh, होना वो भी फर्स्ट में दैट्स अ बिग थिंग माशाउड क्योंकि पंजाबी डोमिसाइल होल्डर्स को स्टार्ट से ही ये फियर होता है कि इवन इफ वी स्कोर वेल इवन इफ वी पास देन देर इज़ द फाइनल फीयर ऑफ द डोमिसल तो आपने इस चीज़ को क्या आपने माइंड में रखा पहले से और फिर जब इंटरव्यू का फेज़ आया तब आपने कैसे प्रेपरेशन की टू डिफ्रेंशिएट यल्फ फ्राम अदर पंजाबी डोमिसाइल होल्डर्स अब डोमिसाइल का ध्यान एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे दिमाग में नहीं था मैंने ना कभी इस तरीके से सोचा था कि मेरे पास ये डोमिसाइल है तो मैं स्ट्रगल करूँगा या जो कुछ भी द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि अगर आपने एलोकेशन लेनी है और फॉर श्योर एलोकेशन लेनी है तो यू मस्ट एम वेरी हाई आपका एम होना चाहिए टूअर्ड्स द टॉप पोजिशंस टूअर्ड्स द टॉप मेरिट नंबर्स तभी आपको एलोकेशन मिलेगी तो अगर आपने उस टॉप लेवल पर एम करना है तो फिर आपका डोमेसाइल इम मटीरियल हो जाता है फिर चाहे आप के पी के से हों सिंध से हों पंजाब से हों आपको टॉप पोजिशन अगर एम करनी है तो देन योर डोमेसाइल बिकम्स इम मटीरियल मेरा कॉन्स्टेंटली माइंड सेट ये था कि माई डोमेसाइल इज़ इम मटीरियल रिगार्डलेस ऑफ वट एवर माई इज मैं मेहनत करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मेरी बेहतर से बेहतर एलोकेशन हो इस माइंड सेट के साथ मैं गया तो ये मैंने एडेड ट्रबल अपने दिमाग पर ली नहीं कन्फ्यूजन ये मैंने नहीं ली कि मेरा डोमेसाइल कौन सा है कौन सा नहीं है तो ये तो वो डोमेसाइल से रिलेटेड बात हो गई दूसरी बात आपने की इंटरव्यू पे आके जब रिटर्न क्लियर हो गया तो अब मुझे ये पता है कि मेरे साथ जितने भी लोग हैं जिनका रिटर्न क्लियर हुआ है वो और मैं एक स्टैंडिंग पे हैं ठीक है किसी के नंबर ज़्यादा हैं किसी के नंबर कम हैं आपको नंबर्स नहीं पता होते रिटर्न के बाद तो फिर आपके पास एक नेक्स्ट स्टेज आपको पता चल जाता है कि अब नेक्स्ट स्टेज इंटरव्यू है तो जैसे रिटर्न में जितनी मेहनत कर सकते थे पूरी मेहनत की इंटरव्यू में जितनी मेहनत कर सकते थे वो पूरी मेहनत की ये नहीं सोचा कि डोमेसाइल ये है एलोकेशन होगी या नहीं होगी आपका डोमेसाइल कोई भी हो आप अफोर्ड तो नहीं कर सकते कि आप उसको लाइटली लें तो बस उसको लाइटली नहीं लिया जितनी मेहनत कर सकते थे उतनी मेहनत की और बाकी चीज़ें जो है वो अल्लाह ताला पे छोड़ दी कि जो भी मिलता है नसीब में जो भी हुआ वो मिलेगा सो so, इंटरव्यू में आ, कहा जाता है कि जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उन सब को रिवाइज करना पड़ता है बल्कि इवन योर कंपलसरी सब्जेक्ट्स क्या ये ट्रू है और इज़ द इंटरव्यू जनरल आपके पर्सनैलिटी के बारे में क्वेश्चन करते हैं आपकी बैकग्राउंड के बारे में और इज एड कॉम्बिनेशन ऑफ इट डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यू पैनल टू बी ऑनस्ट ईयर टू ईयर पैटर्न चेंज हो जाता है इंटरव्यू इज बेसिकली कोई भी इंटरव्यू हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट जॉब का इंटरव्यू वो पैनल आपसे कुछ भी पूछ सकता है एट द एंड ऑफ द डे माई परसेप्शन इज इंटरव्यू इज अ टेस्ट ऑफ यसनैलिटी एंड टू अर्टन एक्सटेंट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज इस साल थोड़ा डिफरेंट था एटलीस्ट इन माई एक्सपीरियंस कि वो टेस्ट ऑफ नॉलेज ज्यादा था एंड ऑबियसली टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी भी था लेकिन ये कि जो सवाल थे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत ज्यादा पूछे जा रहे थे तो उस हिसाब से आपको डेफिनेटली अगर आपने छः सात महीने कोई सब्जेक्ट पढ़ के उसको एग्जाम में अटेम्प्ट किया तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आपको वो सब्जेक्ट इंटरव्यू के टाइम पे भी आता हो एटलीस्ट कि आप डिस्कस तो कर सकें उस सब्जेक्ट को ये नहीं कि आपने पढ़ लिया आप पेपर अटेम्प्ट कर लिया और भूल गए हर चीज़ तो रिवाइज़ करना जरूरी है लेकिन उसके साथ साथ और चीज़ों पर भी फोकस करना चाहिए इंटरव्यू में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उन पर फोकस करना चाहिए इसके अलावा जो भी आपका बैकग्राउंड है आपकी लाइफ है आप कहीं पर रहे हैं किसी शहर में रहे हैं आपको उन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए सो दैट यू कम अक्रॉस एज अ कैंडिडेट हु इज़ अवेयर ऑफ हे सराउंडिंग्स एंड हुक्ट्स जो उन्होंने पढ़े थे और अपनी सराउंड के बारे में आपको पता होना चाहिए सो फान आपकी एलोकेशन हुई है पी एस पी में एंड पुलिस सर्विस इज समंगट मैनी पीपल ड्रीम ऑफ तो इस ग्रुप uh, में एलोकेट होकर वट वीलिंग फील अबाउट माशा सेयर फैमिली इज इन पुलिस सर्विस अल्लाह का शिक्र है uh, पहले तो यही कि अल्लाह त बहुत एहसान है के ये एलोकेशन मिली और सब बहुत खुश हैं क्योंकि एक बड़ा लॉन्ग प्रोसेस था एक बड़ी लंबी जर्नी थी जो कि 2019 मई में, में स्टार्ट हुई 2019 जून के टाइम पे ये स्टार्ट हुई मैं ग्रेजुएट 2019 मई में, में हुआ था तो उसके बाद से यही था कि सी करना है और अब जाके इन 2021 ये पता चला है कि एलोकेशन हो गई तो सब बहुत रिलीव्ड हैं खुश हैं फैमिली में भी मैं भी और बट मोर इम्पॉर्टेंटली आपने बात की कि एक प्रेस्टिजियस सर्विस है पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान इट्स नॉट जस्ट प्रस्टिजियस थिंग इज़ के आप किसी भी बारह ग्रुप्स में हो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है वो सिर्फ uh, एक ऑनर की बात नहीं है ऑनर वो तभी होगा जब आप उस ऑनर के साथ जस्टिस कर सकेंगे जब आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने ऊपर ले सकेंगे एक बात है कि सी एस एस जो है वो काबिलियत का इम्तहान नहीं है आपके इल्म का इम्तहान नहीं है आपकी मेहनत का इम्तहान नहीं है तो फिर वो किस चीज़ का इम्तहान है वो इम्तहान अल्लाह ताला ने आपको जो भी नवाजना है वो आपको देगा जो भी आपका ग्रुप आपके, आपके हक में बेहतर होगा वो आपको मिलेगा लेकिन फिर वो आपको मिल रहा है एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जस्टिस करना बहुत ज़रूरी है उसका हक अदा करना बहुत ज़रूरी है और ऑनर uh, तो है लेकिन ये कि इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और uh, ये कि बस मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकूँ दैट इज़ माई गोल एट दिस पॉइंट इन टाइम Right. Thank you Fizan so much for your valuable words and we wish you best of luck for your future. It was an interesting conversation with you. Thank you. It was an honor to be here and to be able to talk to you. Thank you. Ladies and gentlemen, we hope that this interview was very helpful for you. Let us know in the comments below how you liked it.